सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। आज का जो काम है ना भाई, आज जो है अपना वो लॉफ्ट बिल्कुल रेडी करना है, और आज की इस वीडियो में पूरा काम कंप्लीट दिखाएंगे हम। उससे पहले भाई देखो, मैं छत पर आया तो मैंने देखा भाई गोले कबूतर आज ना अभी तक खुले हुए हैं, बिकॉज रंजन ने शायद इनको नहलाया है। देखो यहाँ पे नहान वहान, देखो पानी, देखो यार कितना ही ज़्यादा गंदा हो रहा हो भाई साहब, मतलब इतनी ज़्यादा गंदगी निकली है ना कबूतर के शरीर में से। और ये कबूतर ना सूख भी गए हैं, देखो सारे बैठे हुए हैं लाइन से, ये ना उड़ जा रहे हैं बार बार। अभी वो तो मैं बिठा के चला गया, अच्छा हुआ। मैं तो एक आधा सा भाई कहीं निकल जाता तो निकल जाता, नए तो नए होते हैं ना। गेट खोल देते हैं भाई, इनको जान देते हैं अंदर, क्योंकि भाई तभी तो अपना काम भी करेंगे। चलो 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 चलो, ये कलदुमा कबूतर बहुत मेन है भाई मेरे लिए, अंदर जाना, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो में ये कितना ज़्यादा परेशान करता है। आओ 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 आओ, चलो 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 चलो, आ उतर गए नीचे। ऐसे ड्रामे करता है भाई जानने से पहले। आओ चलो चलो ऊपर, देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा, वैसे भाई गोली देख रहे हो सारे चले गए। ये भाई कितना चंट है, ये सोच रहा शाम तक रुकूंगा आराम से दाना वाना खाऊंगा, चला गया। चलो भाई साहब देख रहे हो भाई, आगे बढ़ते ऊपर तुरंत आ जा रहा है, इतने में तो अंदर कभी दाना खत्म हो जाएगा। आ आओ 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 आ आ आ आ, चलो 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 चलो, देख रहे हो भाई सारे अंदर दाना खा रहे हैं, बट ये देखो कैसे आराम से बैठा हुआ है, मन ही नहीं कर रहा इसके अंदर जाने का बिल्कुल। चल चल चलो चलो, गया गया सीधा पतवास पर बैठा जाके। चलो चलो लो भाई, कर दिया मैंने बंद, मुझे नहीं पता भाई कोई कम भी होगा तो। गाइस मैं इसमें ना सुबह पुट्टी करके गया था, कल ही मैं इसको कंप्लीट करने वाला था गाइस, बट दिक्कत क्या हो गई ना कि अपने हमने जो ये बनाया था ना ये, तो भाई ये सूखा नहीं था, मतलब कल ही मैं पुट्टी लगा के गया था इस पे, तो कल तो थोड़ा गड्ढा वड्ढा सा रह गया था, क्योंकि जो पुट्टी थी ना वो अंदर चली गई थी सारी। और आज जो मैं दोबारा सुबह पुट्टी करके गया हूँ, ये दिख रहा होगा आपको, जिससे कि आज जो इस पे फिनिशिंग करेंगे बिल्कुल रेगमाल मार के, जिससे पता भी नहीं चलेगा। बाकी तो अपनी खिड़की भाई पूरी तैयार है, देख लो उधर का उधर गाना गा रहे हैं, बंद कर देते हैं आज इसमें भाई रेगमाल मार के पेंट मार के, बस पतवासों को करना है फिट। और इधर के पतवास और ये वाले पतवास भाई थोड़ी दिक्कत लगेगा, क्योंकि पिछली बार तो भाई मैंने ठोक रखा था किलो से, बट इस बार वो गलती नहीं करूंगा, क्योंकि तो दिक्कत क्या होती है ना इसकी, वो पतवास ही ना निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बाई चांस कभी मुझे निकालना होना तो कील निकलती ही नहीं है। तो इस बार मैंने कुछ अलग दिमाग लगाया, इस बार मैं पत्ती से टिकाऊंगा, आपको दिखाऊंगा मैं कैसे लगा रहा हूँ। तो पहले तो लॉफ्ट को पेंट करते हैं, फिर इसके बाद, क्योंकि टाइम नहीं लगेगा पेंट करने में बिल्कुल भी, क्योंकि पूरा कंप्लीट हो रखा है वो, तो ब्रश से फटाफट पेंट मारेंगे, जो हल्का बहुत रेगमाल मारना है वो मार देते हैं, फिर हो जाएगा अपना कंप्लीट। फिर कल कबूतर भी छोड़ देंगे इसमें, मादिन जो भी है 10-15 जो भी है भाई 10-12, अब तो कम भी हो गए हैं कबूतर, गिर गए रंजन के लड़ाइयों में, मतलब लड़ गए थे गलती से तो गिर गए 8-9 कबूतर, बट ये तो चलता रहता है। चलो भाई अपना काम ना शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है अब आजकल, छत पर रुकने का भी मन नहीं करता। गाइस पहले ना एक एंगल है, तो इसको हम पत्ती बनाएंगे, क्योंकि जो है ना ये दो पतवास है ये ऐसी टिकेगी पत्ती पे, तो मेरे पास तो कोई नॉर्मल पत्ती है नहीं जो सीधी सीधी जो लगा सकूं, बट ये बहुत अच्छा काम कर देगी अपना। तो इसको हम काटते हैं पहले बीचों बीच, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको करने को, ठीक है। अगर आपको भी कभी लगाना हो बाई चांस तो ऐसे ही आप कर सकते हो। तो भाई पत्ती मैंने बना ली है, ये देखो ये कुछ एंगल टाइप में पत्ती बनाई है, जो कि लगेगी ये भी पतवासों में ही है। तो अब तो भाई चलते हैं रेगमाल मारते हैं इसमें फटाफट से, और फिर पेंट मार के अपना ये पतवासे अंदर फिट करते हैं। भाई मैंने पूरा रेगमाल मार दिया है, जैसे कि देख लो ये बहुत ही बारीकी से मारा है, देखो जहाँ जहाँ कम पुट्टी थी वहाँ वहाँ छूट गया है, तो बट अच्छा लग रहा है, मतलब रेगमाल मारने वाला जो फिनिशिंग आनी थी ना वो आ गई, देख लो ये भी गेट भी अब पेंट हो जाएगा ना, जो थोड़ा बहुत ये धब्बे वब्बे दिख रहे हैं ये भी कवर हो जाएंगे पेंट में, तो बढ़िया लगेगा पूरा फाइट। अब देखो भाई पेंट कैसे करता हूँ, फटाफट से पेंट करना भी स्टार्ट कर देते हैं यार, मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, मेरी हालत देख सकते हो कैसे भूत जैसा बन गया हूँ मैं, क्योंकि यार रेगमाल मारने में पूरी पुट्टी घिसनी पड़ती है ना, तो वही उड़ रहा है बहुत ज़्यादा, एक तो छोटा है ना तो उसी में उड़ रहा है सारा, और दिक्कत भी हो रही है भाई वीडियो बनाने में, क्योंकि बहुत छोटा लॉफ्ट है और कोई है भी नहीं आज, तो अकेला ही बना रहा हूँ। कोई नहीं, पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाई जल्द से जल्द काम हो जाए अपना। Hold me close till I get up.
फाइनली मैंने एक कोट मार दिया, मतलब सिंगल अभी मार दिया है। और देखो आपको फिनिशिंग दिख रही है नहीं दिख रही भाई, मुझे तो नहीं पता, बट मुझे अभी कम लग रही है। अभी छत वत पे भी मार दिया मैंने, देखो पूरा वाइट तो कर दिया, पर अभी भी ना थोड़ा सा थोड़ा अभी भी दिख रहा है, जो पहले का रंग था ना भाई ऑरेंज वाला, वो दिख रहा है मुझे। तो एक बार और मार दूंगा मैं अभी, उससे पहले भाई अभी रोलर से मारूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने ब्रश से मारा है, अब रोलर से मारूंगा फिनिशिंग के लिए, जो बिल्कुल फाइनल टच देगा, बिल्कुल जो ये थोड़े बहुत दाग धब्बे रह गए हैं वो भी कवर कर देगा। तो सूख जाएगा ये, थोड़ा वेट करते हैं, अभी गीला है पेंट, इसके सूखने के बाद ही लगेगा, तो अभी वेट करते हैं थोड़ा सूख जाता है, फिर इसके बाद हम रोलर से मारेंगे। तो भाई ये अपने लॉफ्ट का फाइनल टच है, और देख लो अब बताना भाई वाइट लग रहा है नहीं लग रहा। ऊपर एक गार्डर छोड़ के बाकी पूरा लॉफ्ट तो मैंने वाइट कर दिया है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है लिटरली भाई। अगर आप सामने से होते हैं ना, मुझे नहीं पता भाई वीडियो में कैसा लग रहा है नहीं लग रहा, बट लिटरली बता रहा हूँ भाई, सामने से इतना ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना। एक तो भाई ये खूबसूरती, एक तो ये कर दे रहा है अपने लॉफ्ट की पूरी, ठीक है, क्योंकि भाई ये जो बनाया है ना, बंदे इतनी तारीफ कर रहे हैं ना मत ही पूछो। और बाकी तो भाई पूरा पेंट कर दिया मैंने, देखो यहाँ भी आपको धब्बे से दिख रहे थे वो भी गायब कर दिया मैंने, और रोलर से भाई एक बात है भाई, एक नंबर की फिनिशिंग आ रही है। और अभी थोड़ा सा पेंट बच गया है, तो इसको वेस्ट करने से तो अच्छा है भाई, ये सूख ही जाएगा, ठीक है, पड़े पड़े ऐसे फेंक दूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार और मार देते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ना नीचे की साइड जो है ना वो दिख रहा है अभी भी, वहाँ पे एक POP मारी थी मैंने, वो भी हल्का सा पता चल रहा है, और तो बाकी कहीं पता नहीं चल रहा, बट फिर भी मैं मार दूंगा रोलर से, तो बहुत कम टाइम लग रहा है, बिल्कुल फटाफट से हो जा रहा है, पर लिटरली बता रहा हूँ भाई बहुत ही प्यारा लग रहा है लिटरली यार। वाइट चीज़ ना भाई बहुत अच्छी लगती है। अब बस ये हो जाएगा, फिर इसके बाद भाई मैं जाल वाल थोड़ा सा साफ करके अपने पतवास फिट कर दूंगा, फिर अपना सूखता रहेगा अंदर ही, फिर दिक्कत ही नहीं होगा, है ना भाई। फाइनली गाइस काफ़ी देर की मेहनत के बाद अपना काम जो है फाइनल ख़त्म हो गया है, पेंट का आज कितने दिनों से बोलने जा रहा था भाई आज पेंट करेंगे करेंगे। और देखो भाई ऊपर की जो मैंने गार्डर थी ना वो भी पेंट कर दी है, ब्लैक कर दिया है सर मैंने, पहले तो भाई चॉकलेटी कलर का था जैसे ही गेट है ना वैसे कलर का वो भी था। तो फाइनली देखो भाई अभी एक भी धाग डब्बा नहीं दिखेगा आपको पूरी पेंट में, वो पता नहीं क्या पीला पीला नीचे हो रहा है ना, बार बार मैं जितनी बार पेंट करता हूँ बार बार पीला हो जा रहा है, शायद से वो सीलन की वजह से ऐसा हो रहा है, पहले कभी होगा ना वहाँ पे ऐसा, तो इसलिए भाई। बाकी तो आप चेक कर लो भाई चारों तरफ से, ये देखो कितना ही खूबसूरत लग रहा है भाई, मतलब वाइट चीज है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब तो भाई लाइट भी चालू कर देंगे, लाइट अभी ख़राब हो रखी थी बीच में, खराब ही क्या हुई भाई, इसका ना तार काट दिया अंदर से गिलहरी ने शायद, वो मेरे को अभी देखा दो तीन दिन पहले जब अंदर जाता था ना जब दिखा था मेरे को, ये देखो अपना गेट ये बना हुआ, इसको पेंट नहीं करेंगे गाइस, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे मैंने टेप लगा रखी है, इस टेप को भी छुटा देते हैं, ये देखो भाई टेप लगा रखी थी मैंने, जिससे कि अपना एक गेट जो है बचा रहा है पेंट से, पर ये पुट्टी होने ना मुझे लग रहा खराब हो जाएगा टेप छुटाने पे, ये मुझे पहले ही छुटाना था, कोई बात नहीं ऐसी ठीक लग रहा है। मैं तो प्लास्टर ही छूट गया साला, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, देखो मैंने इसकी धारियां जो है ना रेगमाल से खींच दी, अब थोड़ा लग रहा है हाँ पहले सही है, ये मुझे पहले ही छुटा, पता है भाई ये पुट्टी हो गई थी ना तो सूख गई थी टेप पे, ये मुझे पेंट करते समय टेप लगाना था, मैंने पुट्टी करते समय भी लगा दिया था, फिर मेरे को छुटा भी देना चाहिए था आज ही पेंट करने से पहले, फिर दोबारा लगाना था बट मैं भूल गया। अपना ये भी एक टूटा हुआ है भाई इसमें, तो इसमें भी एक बोल्ट कर देते हैं, ये सदाबहार ऐसी रहा है हमेशा, इसको फिक्स कर देते हैं, फिर जाली भी अपनी सीधी हो जाएगी। तो गाइस मैंने जाल भी साफ कर दिया ये देखो, और पेंट भी भाई काफ़ी हद तक सूख गया है, ठीक है, तो अब अंदर पतवासी भी लगा देते हैं हम, फिर अपना पेंट भी अंदर ही अंदर सूखता रहेगा। तो एक पहले हटा देते हैं भाई ऊपर से ये, फिर आराम से ले चलेंगे अंदर,
पहले साइड वाला ले जाना पड़ेगा, फिर पहले पीछे वाले ले चलते हैं। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I... आज जो अपने लॉस्ट में अपनी पतवार से अंदर आ गई है, और बाकी आप बताओ कैसा लग रहा है। और दो रह गए अभी लगाने की, ये वाला और एक इधर साइड लगे जो वो दो रह गए बस। वो अभी जो है भाई वो पत्ती ना सूख रही है, उस पर पेंट मार दिया मैंने, बहुत प्यार लग रहा है यार, बताना कैसा लग रहा है। और बिल्कुल देखो साइज का बनाया था मैंने इसको, बिल्कुल मतलब एक खाने के बीच में, जो कि ये अपना शटर ठीक है। और अपना फाइनल काम आज खत्म हो गया, बस ये दो और लगाने हैं, फिर अपना लॉफ्ट रेडी हो जाएगा बिल्कुल कबूतरों को रहने के लिए। और ये रहे वो पत्ती भाई जो सूख रहे हैं, अभी पेंट हो रखे हैं इस पर, ब्लैक कलर का पेंट कर दिया मैंने इस पर भी, ये चंगना लगे और अच्छा भी लगे थोड़ा, ऐसे उधर चमन से बेकार लग रहा था। फाइनली अपना लॉफ्ट जो आज रेडी कर दिया मैंने, जैसे कि देख लो ये ऐसा कुछ जुगाड़ किया था मैंने पत्ती का। पहले जो था मैंने ऐसे टिका रखा था, वो इस पे टिका हुआ था, ये जो है ना चौखट सा इस पे टिका हुआ था, बट देख लो इस बार मैंने कुछ पत्ती से टिकाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देख लो चारों तरफ अपने आप लग गए हैं पतवार से, और ये हैं भाई 30 कबूतर के, और देख लो भाई लुक बाकी पूरे 30 कबूतर रहेंगे इसमें। अब इधर 6 बैठेंगे, इधर 10 बैठेंगे, सामने भी 10 और इधर 4, देख लो भाई। बाकी बहुत मेहनत लगी भाई इस लॉफ्ट को तैयार करने में, बाकी फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा आया ठीक है, और बहुत अच्छा बना है लॉफ्ट। ये इधर भाग रहा है, इधर लग रहा है कि लकड़ी काट के लगानी पड़ेगी उधर, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है बट फिर भी बढ़िया लग रहा है यार जो बात है। ये अब हिलने से रहा भाई, पहले ना वो कील में ठोक रखा था, जैसे एक जॉइंट है फिर कील से ऐसे मेरा मार रखा था, बट अब ये है कि मैं जब मन करे यहाँ से खोल सकता हूँ, अब ये वाला हो गया ठीक है। तो बस गलतियों से सीख मिलती है यार, ये तो बात है। बाकी तो भाई छत की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो रखी है ना, क्या ही बताऊँ, इतना गंदा हो रखा है ना छत बहुत ज़्यादा। आज जो मैं 1 बजे से लगा हुआ हूँ सुबह से ही, बट 5 बज गए हैं और अब जाकर काम अपना ख़त्म हुआ है। अब जो गाइस अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ, मैं आज ही छत को भी साफ करके जाऊँगा, मतलब पूरा धुलाई वुलाई जो भी करनी है अभी करके जाऊँगा, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा गंदा हूँ। और अभी जो है भाई धूप भी नहीं है, तो छाँव में जल्दी पानी वानी सोख लेता है बीट, फिर जल्दी साफ हो जाती है। 4-5 दिनों से जो काम कर रहा हूँ ना लगातार, एक तो ये नहान दिया इसने, तो इससे और पूरी छत देख ले सफेद सफेद हो गई है। बाकी तो गाइस बताना अपने सारे एपिसोड कैसे लगे। फाइनल काम आज खत्म हो गया अपने लॉफ्ट का, कल जो है फिर मादिनों को हम अलग करेंगे, जो भी है पट्टे सट्टे जो भी रहेंगे इसमें सारे इसी में रहेंगे अब। और पट्टे भी भाग गए भाई 2-3, अपना चील का बच्चा भी भाग गया कल, वो तानचूर आगे चला गया था, पता नहीं कहाँ ही चला गया। बताना वीडियो कैसी लगी, और मेरी मेहनत के लिए बस एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना गाइस। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एंड जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।